नाजायज़ माइनिंग दे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का वड्डा हुक्म वेखन नूं मिलिया। लुधियाना दे डीसी अते सैशन जज नूं आप जाके हालातों का जायजा लैण लिखिया गया। जी हाँ, लुधियाना दे मत्तेवाड़ा चुगैन मांगली रोड बूथगढ़ दे गड्डी शेरा का खुद दौरा करना होगा। सतलुज दरिया च गैर कानूनी माइनिंग बारे 15 दिनों के अंदर अदालत नूं रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। वड्डा फैसला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का निकल के सामने आया। नाजायज़ माइनिंग नूं रोकण दे लई लुधियाना दे डीसी अते सैशन जज नूं आप जाके हालातों का जायजा लेना होगा। संभावित तौर के उपर जब हूँ फैसला निकल के सामने आया तो फिलहाल की कड़ी तो समझिया जा सकता है कि नाजायज़ माइनिंग करने वाले भी थोड़े अलर्ट जरूर हो गए होंगे, पर किस वेले रेड की जाएगी, किस टाइम हालातों का जायजा लैन के लिए खुद जाएंगे सैशन जज और डीसी लुधियाना के, यह वेखना हूँ बेहद खास लाजमी रहेगा। खबर से अपडेट लिए फिलहाल सीधा रुक करांगे, साडे नाल साडी सहयोगी अमनप्रीत इस वेले साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। अमनप्रीत, वाकई ची बेहद वड्डा फैसला किया गया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वालों, सैशन जज ते डीसी नूं खुद जाके हालातों का जायजा लैण दिल्ली किया गया, की मायने निकलते ने इस फैसले दे? जी हाँ, जिस तरीके दे नाल नाजायज माइनिंग दे कई मामले भी पहले भी सामने आ चुके हैं, जिहे विच इक बलजीत सिंह लुधियाना दे ही तकरीबन 4 तो 5 पिंडां दा जिक्र किया गया, जिस विच इक बलजीत सिंह नाम दे शख्स वालों पटीशन हाईकोर्ट विच दाखिल की गई थी। तो उसके उपर जिहड़ा अज एक ऑर्डर पास किया गया है कोर्ट वालों, साफ तौर पर कोर्ट ने सैशन जज लुधियाना ते इस दे नाल ही डीसी ने इंस्ट्रक्ट की है कि खुद डायरेक्ट जाकर देखन, कोई समा तय नहीं किया, लेकिन कभी भी जो भी उनकी इच्छा हो जाके एक बार चेक कर कि सतलुज से जी उसे निकलती है, किस तरीके की उसे माइनिंग हो रही है, जिसके बारे में विद इन 15 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट भी हाई कोर्ट वालों तलब की गई है कि यानी कि हम कहा जा सकते हैं कि सैशन जज और डीसी कभी भी जो लुधियाने के ने कभी भी समय के तहत चाहे रात हो भावे दिन हो कभी भी जाकर एक बार चेकिंग कर सकते हैं और करके जो भी उन्होंने जैसे हालात होने, क्योंकि माइनिंग को लेकर जी पटीशन दायर की गई तो रेवी गल खास तौर पर कही गई थी कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े टिप्पल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार माइनिंग हो रही है, तो कई चीजा का जरा कि लॉकडाउन दे रहा उस दौरान भी कोई चीजा नहीं मतलब होती है, लेकिन लगातार क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान उसे हो रहा है, तो जिसे चलते हुए तकरीबन ये सारे ही पिंडा विचों निकलते सतलुज नदी, तो उसके पूरी जी माइनिंग हो रही है, जिसके तहत जो कोर्ट वालों कहा गया कि डीसी सैशन जज लुधियाना तो ने जान और पूरा एक बार जायजा ले कि आपकी क्या स्थिति है, उसने किस तरीके की चीजा है, उसके बाद विद इन 15 डेज अपनी रिपोर्ट है जी वो हाई कोर्ट विखे सबमिट करें। सो वेखना बहुत अहम रहे क्योंकि जो सैशन जज का नाम आ जाता है विच और डीसी का नाम आ जाता तो अपने आप ही एक जरा मामला है बहुत ही गंभीर हो जाता है। सो देखना यह रहेगा कि 15 दिनों बाद जी एक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाती है, बिल्कुल उस रिपोर्ट की कुछ टिप्पणी की जाती की कुछ रिपोर्ट दाखिल की जाती है, इसके ऊपर जरूर नजर सारे की बनी रहेगी। फिलहाल बेहद शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए अमनप्रीत, साडे दर्शकों नूं सारी जानकारी देने के लिए। तो वाकई वेखना होगा कि डीसी सैशन जज वालों हुण हाईकोर्ट के रिपोर्ट सबमिट की जाती है नाजायज माइनिंग लैके।